हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनीटेक्स पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़ोटो का बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया जाता है, तो उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं बताऊंगा फ्रेंड, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको फ़ोटोशॉप में जाना है। आपको सबसे पहले आपके कंप्यूटर पर फ़ोटोशॉप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका जो फ़ोटो है उसको ओपन करना है फ्रेंड। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, फ़ोटो ओपन हो चुका है फ्रेंड। अगर इसका कलर अच्छा नहीं है या तो ये साफ नहीं है फ़ोटो, तो पहले हमको फ़ोटोशॉप से इसको साफ कर लेना है फ्रेंड। फ़ोटो को क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद इसको सेव कर लेंगे फ्रेंड। सेव करने के बाद आपको बैक पर चले जाना है। तो उसके बाद फ्रेंड, आपको सबसे पहले आपको ओपन करना है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वेब ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र जैसे सर्च करेंगे, क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना होगा फ्रेंड आपको रिमूव बीजी। जैसे ही सर्च करेंगे फ्रेंड, आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, अपलोड इमेज। तो इस पर आपको आपका इमेज को सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड। जैसे सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड, आपका रिमूव हो जाएगा, आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और आप इस तरह का देख पाएंगे। तो उसके बाद आपको फ्रेंड आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड, आप बहुत सारा बैकग्राउंड देख पाएंगे। आपको इसमें कोई भी बैकग्राउंड चूज हो तो आप इसे ले सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड आप इस तरह का बैकग्राउंड को अगर आपका फ़ोटो में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड आपको डाउनलोड पर जाना है। डाउनलोड इमेज पर करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा आपका। अगर आप चाहते हैं कि एक ही कलर का बैकग्राउंड रखेंगे, तो आपको कलर पर जाना है। कलर पर जाने के बाद आपको देख पा रहे हैं फ्रेंड, आप कोई भी कलर इसे ले सकते हैं। आप कोई भी कलर फ्रेंड ले सकते हैं। तो मैंने जैसे ये कलर सिलेक्ट किया फ्रेंड, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद फ्रेंड डाउनलोड फोल्डर पर आपका इमेज चला जाएगा और आपको उसे कट कर लेना है। कट करके आपका डेस्कटॉप में पेस्ट करेंगे फ्रेंड। डेस्कटॉप में पेस्ट करने के बाद इसे फिर फ्रेंड दोबारा इसमें फोटोशॉप पर इसको ओपन करेंगे। फोटोशॉप में ओपन हो चुका है फ्रेंड। और इसका जो पासपोर्ट साइज है फ्रेंड, ये हमको सिलेक्ट कर लेना है। रेजोल्यूशन में फ्रेंड हमको 300 डालना है और हाइट में 1.4 या 1.5, आप दोनों में कोई एक डाल सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि पासपोर्ट साइज जो ओरिजिनल होता है वो 1.5 होता है फ्रेंड। तो ये 1.4 हमारे यहाँ ज़्यादा चलता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस है। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कैसे प्रिंट करते हैं, उसका साइज क्या रखना है। तो वॉल सेटिंग में आप लोग को पूरा कंप्लीट बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। अगर आप लोग हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्त को शेयर करना भी ना भूले फ्रेंड। मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा।